दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस ब्लॉगर सीरीज के वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ। अगर आप ज़्यादा ऑथर से अगर आप एक से ज़्यादा लोग यूज़ करते तो आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि कैसे हम इसमें ऑनर को, एडमिन को और ऑथर को चेंज करेंगे, कैसे हम इसमें ऐड करेंगे, तो इस पर डिपेंड है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जैसा आप देख रहे होंगे ये ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग लिखने में आपके पास अगर कोई दो या तीन लोग यूज़ करते हैं, वैसे आप सिंगल अगर आप इसमें लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर आप अगर एक से दो से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं एक ब्लॉग को, तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, ऑथर को या फिर एडमिन को भी आप इसमें एक्सेस दे सकते हैं। जैसे आपको जाना पड़ता है सेटिंग्स में, सेटिंग में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है परमिशन का। परमिशन में आपको ध्यान रखिए, यहाँ पर परमिशन में आपको यहाँ पर दो तीन यहाँ पर कुछ दिखता है। यहाँ पर आपको एडमिन देखने को मिलता है, जो आप एडमिन एक्सेस वगैरह होता है, और उसके नीचे होता है ऑथर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑथर पर क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ऐड ऑथर का ऑप्शन मिलता है आपको, उसके बाद पेंडिंग ऑथर का। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आप यहाँ पर दूसरा मेरा ईमेल आईडी है, सपोज़ ये किसी दूसरे यूज़र का है, तो यहाँ पर वो देख सकते हैं। इसमें आपको इसमें कोई भी ब्लॉग नहीं है, फ्रेश है, इस पर ब्लॉग क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस पर कोई भी ब्लॉग बना हुआ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस यूज़र को हमें यहाँ पर एक्सेस देना है, ठीक है। इस पर कोई ईमेल भी आया हुआ नहीं है, तो हमको क्या करना है, यहाँ सर उसका ईमेल लेना है, ठीक है। जो भी उसका यूज़र मेल होता उसको मेल को हमें लेना है, यहाँ से कॉपी करना है, आप ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने यहाँ पर परमिशन में, उसके बाद यहाँ पर हमें ईमेल को टाइप करना होता है। अगर हमने कॉपी किया है तो इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर कॉपी करना है या फिर इसे टाइप कर देना है। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को एक्सेस देना चाहते हैं तो आप वन टाइम कॉमा करके आप उस पर ईमेल आईडी को दे सकते हैं। मैं आपको भर देता हूँ, यहाँ पर अभी पेंडिंग का ऑप्शन, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कॉमा देकर नीचे और एक ईमेल नीचे पेस्ट कर सकता हूँ, यानी कि एक साथ दो लोगों को ये एक्सेस जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक्सेस इनवाइट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, जो यूज़र है नया वाला, ठीक है, तो उसके पास हमें जाना है। यहाँ पर भी पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि यूज़र ने उसे एक्सेस नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी यहाँ पर मेल चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो स्पैम में आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर स्पैम फोल्डर या फिर ट्रैश फोल्डर आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी ये जंक फोल्डर में भी फाइल में भी जा सकता है। तो आपको यहाँ पर एक्सेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑरेंज कलर में, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई ब्लॉग नहीं है, ठीक है। तो हम इसे एक्सेस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इनविटेशन ऐप यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे, आप सीधा ब्लॉग में पहुँच जाओगे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लॉग देखने को मिलेगा, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर ही दिखाई देगा, ये यहाँ पर सिलेक्ट ब्लॉग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ब्लॉग सिलेक्ट करना है, पहले यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग का ऑप्शन आता था, ठीक है। तो हम इस ब्लॉग पर पहुँच चुके हैं अभी। तो यहाँ पर अभी हमें बस सेटिंग से देखने को मिल रही है, यानी कि जो ऑथर के परमिशन मिली है हमें, यहाँ पर हम सिर्फ इस पर ब्लॉग में पोस्ट लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, हमें इसमें पूरा का पूरा अभी एडमिन एक्सेस नहीं मिला है, ठीक है। अगर आप ऑथर का मतलब परमिशन देना चाहते हो तो आप ऑथर के दे सकते हैं लिखने के लिए, अगर आप एडमिन के देना है तो आप एडमिन का भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एडमिन का एक्सेस कैसे देते हैं, ठीक है। वैसे अभी आपने इसे ऑथर का परमिशन दे दी उन्हें, वो आप ब्लॉग पर लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है अपने ब्लॉग में, सिर्फ उसे लिखने का ही हमने आपने परमिशन दे दी है, ठीक है। अभी हम इसे रिफ्रेश करेंगे, अगर आप चाहते उसी बंदे को अगर आपको एडमिन करना है, ओनर करना है, ठीक है, एडमिन या ओनर दोनों सेम ही होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे अभी यहाँ पर जाना है आपको, ठीक है। जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑथर का परमिशन है, आप नीचे क्लिक करके आप इसे एडमिन कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसे ऑथर का एडमिन कर दिया है, अभी हम इसे सेव करेंगे। इस बार आपको दोस्तों मेल नहीं जाएगा और डायरेक्टली आप उसमें पहुंच जाओगे। अब आपको क्या करना है, बस अभी उस यूज़र को बता देना है कि आपका ईमेल चेक करिए। वैसे ईमेल जाता नहीं है एडमिन में, हो सके तो कभी कभी आपको चेक भी करना पड़ता है कि स्पैम फोल्डर में भी आ सकता है, जैसे कि पहले आया होता। तो आपको यहाँ पर जाना है अपने ब्लॉग में, ठीक है। अभी हम यहाँ पर मेल चेक करेंगे, हमें एडमिन एक्सेस मिला है तो उसका कंफर्मेशन आता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑलरेडी ऑथर थे तो हमें ऑथर का कंफर्मेशन मिला था, एडमिन का जरूरत नहीं है। अगर आप एडमिन करते हो तो एडमिन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑथर का ही परमिशन मिलता है, उसके बाद आपको खुद से एडमिन करना पड़ता है, वो जो रिक्वेस्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमें पूरा का पूरा एक्सेस मिल चुका है ब्लॉग का, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक्सेस मिला है, जो एडमिन में था प्राइमरी ओनर जो था उसमें जो था वही आपको यहाँ पर सेकेंडरी ओनर में दिखाई देगा, क्योंकि हमें भी यहाँ पर अभी ओनर का ऑप्शन मिल चुका है एडमिन का, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने खुद के ब्लॉग में आऊँगा अभी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ सर यहाँ पर भी दोस्तों आप मैनेज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर एडमिन एक्सेस जाता है, तो एडमिन कुछ भी कर सकता है, आपको बताऊँगा।
तो यहाँ पर हम फिर से एक बार सेटिंग में जाएंगे। अब ये जो ब्लॉग आ रहा है तो ये ब्लॉग में कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसके बाद अभी पूरा का पूरा एडमिन एक्सेस गया है, ठीक है। आप यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स अगर आपके पास हैं तो आप ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इसे ओनरशिप वगैरह इसे चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आप लिखने के लिए देते हैं उसके पास, तो आपको ऑथर की परमिशन देनी पड़ती है, जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ पहले ही। आप चाहे तो फिर उसे एडमिन का भी एक्सेस दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी दो तीन एडमिन हो सकते हैं एक पेज को मैनेज करने के लिए। कोई थीम डिज़ाइन करता है, कोई लेआउट डिज़ाइन करता है, कोई पोस्ट लिखता है, ऐसा वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो आप चाहे तो एक दो या तीन से ज़्यादा भी ओनर को आप इसे एडमिन एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अभी प्राइमरी मेल में आ चुका हूँ, यहाँ पर हमें एडमिन का एक्सेस मिलता है। आप चाहे तो दोस्तों बाद में इसे फिर से चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं एडमिन को सिर्फ ऑथर ही करना है, ठीक है। एक कभी बहुत बार होता है दोस्तों कभी कभी, क्योंकि शुरू में होता है ऐसा कभी कभी, तो आप चाहे तो यहाँ पर उस जिसको आपने एडमिन किया है उसे आप फिर से ऑथर कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे सपोज़ ये इसको हमने एडमिन एक्सेस दिया था, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसे हम अभी ऑथर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। नीचे ऑथर का ऑप्शन यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। मतलब अब क्या होगा, एडमिन का ऑथर हो गया, अब बस वो सिर्फ उस पर पोस्ट या फिर आर्टिकल ही लिखने के लायक है, ठीक है। अब वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, उसकी सेटिंग्स वगैरह आप फिर से इसे एडमिन कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर इसे हटाना चाहते हैं तो आपको बस इसे इस एरो पर क्लिक करना है। उसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर उसको हटा दिया है, उसके पास अभी कोई भी एक्सेस नहीं है, ठीक है। या बहुत बार हो सकता है कभी आप शुरू में मतलब कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप चाहे तो किसी यूज़र को आपसे हटा भी सकते हैं। बस आपको क्रॉस लाइन पर क्लिक करना होता है, उसके बाद उस ब्लॉक उस ऑथर को आप इस एडमिन को ओनर को आप उसे रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई भी एक्सेस नहीं जाएगा, जितने पास आपने ईमेल आईडी को दिया था उनके पास वो एक्सेस जाएगा। उसे इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑथर का एडमिन का कैसे आप उसे ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या फिर कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको दिक्कत आ रही है, मैं आपका कमेंट का जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।